नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। इंदौर शहर में लगातार आत्महत्याओं के मामले रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र का सामने आया है, जहां मानसिक रूप से बीमार युवक ने अपने ही घर में जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जाँच में जुटी है। दरअसल पूरा मामला इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र का सामने आया है, जहां निखिल नामक युवक ने अपने ही घर में जहरीला पदार्थ खा लिया। परिजनों ने बताया कि निखिल लंबे समय से निखिल का अस्पताल में उपचार चल रहा था, लेकिन वो दवाई गोली लेने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा था, जिसके चलते वो मानसिक एवं शारीरिक रूप से बीमार था, जिसके चलते वो लगातार डिप्रेशन में रहता था, जिसने कल अपने ही घर में जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच में जुटी है। क्या? मैं साले साहब। क्या नाम था? निखिल जैन। कितनी उम्र थी? 35 साल। क्या काम करते थे? काम तो कुछ नहीं करते, बेरोजगार थे, घर पे रहते थे। क्या घटना कर रहे? कुछ नहीं, बस सुबह थोड़ा लगा कि मतलब आके बस खाली थोड़ी बेहोशी छाई और फिर पता चला शायद फिर भी थोड़ा सा लगा कि वो बेहोश हो गए, नीचे गिरने लगे, फिर अस्पताल ले गए। पता चला हाँ बस ये थोड़ा डिप्रेशन टाइप था। बीमारी मतलब थोड़ा कुछ दवाइयाँ चल रही थी, थोड़ी बीमारी रहती थी। आपका शुभ नाम? सुधीर जी। आप क्या करते हैं? जी जाऊँ इस मृतक का नाम है निखिल, पिता स्वर्गीय नरेंद्र कुमार जैन, उम्र इनकी 35 साल है और ये 105 वेंकटेश नगर एरोड्रम पर रहते हैं। कल दोपहर में इन्हें कुछ जहरीली वस्तु खा ली थी। इनकी तबीयत बिगड़ने पर परिजन MOI अस्पताल उपचार हेतु लाए थे, जहाँ इनकी डेथ हो गई थी उपचार के दौरान। सर सुसाइड का कारण क्या है? वो मेंटल, इनकी दवा गोली भी पहले से चालू थी, डिप्रेशन में थे, परिवार जन से चर्चा की तो उन्होंने बताया। क्या काम करते थे ये? काम नहीं करते थे, अभी बेरोजगार थे और घर पे क्या थोड़ा डिप्रेशन में भी थे काफ़ी टाइम से। आपका नाम? सौनी निर्मल पाटिल, थाना एरोड्रम। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। आई प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।